हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और मैं हूँ शमा, और आज मैं आप लोगों के साथ अपने तरीके से बैंगन के भरता बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी कटा हुआ टमाटर और एक कटोरी कटा हुआ प्याज जो मैंने चॉपर में चॉप किया है। आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हो। और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, एक हरी मिर्ची और थोड़ा सा ये पुदीना क्रश किया हुआ, मैं इसे क्रश करके अपने जो डिब्बी है उसमें स्टोर कर लेती हूँ ताकि काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है ये। और थोड़ा सा कस्तूरी मेथी का फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है। और थोड़ा सा जीरा पाउडर, और मैंने यहाँ पर ये सारे मसाले यहाँ पर इकट्ठे कर लिए हैं। उसमें मैंने थोड़ा सा एक चम्मच हल्दी पाउडर और मिर्ची स्वाद अनुसार, और एक छोटा चम्मच गर्म मसाला और एक चम्मच हरा धनिया। अब मैं ये जो बैंगन है इनको गैस के ऊपर रख दूंगी रोस्ट करने के लिए, और इन्हें तब तक रोस्ट करूंगी जब तक कि इसके बाहर की जो लेयर है वो निकलने ना लग जाए। अब मैंने गैस ऑन कर लिया है और मैं बैंगन को गैस के ऊपर रख के रोस्ट करने के लिए रख दिया है, और अभी रोस्ट हो रहे हैं। देखिए अच्छे से रोस्ट हो रहा है। और अभी बैंगन अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, और देखिए इनकी बाहर की जो लेयर है वो खुद ही निकलने लग गई है। और ये खुद इतने अच्छे से नहीं निकलेगी तो इसे मुझे ही निकालना पड़ेगा। और अब मैं इसकी सारी पूरी लेयर निकाल के दोनों बैंगन के अच्छे से लेयर निकाल लूँगी। और देखिए अभी इस तरह से हमारे बैंगन तैयार हैं, और मैंने इनकी एक लेयर अच्छे से निकाल ली क्योंकि इसमें थोड़े से भी अगर लेयर छूट जाएगी तो थोड़ा सा जला और कड़वापन आ जाता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से निकालना पड़ता है। अब मैं इसको एक बाउल में डाल के अच्छे से मैश करूँगी, और ये मैशर अगर नहीं आपके पास कुछ और भी है तो आप किसी और चीज़ से भी कर सकते हो जिससे आप कंफर्ट हो। और अब मैंने आगे आपको वो नहीं बताया था कि मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया, तो मैं इसके लिए हमेशा इसको ये मेरे पास मार्बल का मैशर है, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, तो मैं इसे मैश करूँगी। और इसे मैं थोड़ा दरदरा ही कूटूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर जो है इसका तड़का मैं हमेशा लास्ट में लगाती हूँ, और ये मुझे थोड़ा सा दरदरा ही पसंद है। तो ये मैं इसमें थोड़ा सा दरदरा मैश करके इसे साइड कर दूंगी। अब मैंने गैस पे एक कढ़ाई ली, और उसमें एक मेरे पास मीडियम साइज का एक स्पून है, और मुझे उसी से अंदाजा आता है कि मुझे कितना ऑयल डालना है। तो आप अपने हिसाब से इसमें ऑयल डाल सकते हो। तो मैंने इसमें 2 स्पून ऑयल लिया है, बड़ा स्पून, क्योंकि बैंगन के भरते में थोड़ा सा हल्का थोड़ा ऑयल ज़्यादा चाहिए होता है। अब मैं जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी, और जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसे थोड़ा हमें ज़्यादा गर्म करना पड़ता है। अब मैंने इसमें कस्तूरी मेथी डाली, और अब मैंने इसमें थोड़ा सा मैं इसमें पुदीना डाल रही हूँ, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही थी कि अगर हम मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म नहीं करेंगे तो इस ये इसमें स्मेल आती है, तो तब तक इस पर भाप ना आ जाए तो तब तक इसमें हमें कुछ भी जीरा या प्याज ऐड नहीं करना चाहिए। और अब मैं देखूंगी ब्राउन हो गया हल्का सा, तो मैं इसमें अनियन डाल दूंगी, और ये अनियन है इन्हें मैं तब तक इस पर फ्राई करूंगी जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। मैं गैस की जो आँच है उसको थोड़ा सिम कर दूंगी, इसे सिम पे करके उसके बाद में इसे अच्छे से इसको ऐसे मिक्स करते रहूंगी जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। अब देखिए ये हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है। अब जो प्याज है ये अच्छे से ब्राउन हो गया है, तो मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी, और मैं हल्दी, मिर्ची पाउडर और गरम मसाला, धनिया सभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि मैं हमेशा मसालों को बैंगन के भरते में थोड़ा तेल में ही हल्का सा इसे फ्राई कर लेती हूँ। इससे मुझे जो टेस्ट जो
मसालों का टेस्ट है वो अच्छे से थोड़े से मसाले भुन जाते हैं, तो वो टेस्ट मुझे बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो अभी अच्छा हल्का ही मसाला है जो मैंने डाला है, इसे हल्का सा हम ऐसे फ्राई करेंगे इसको, इसमें तेल में ऐसे फ्राई करूँगी। देखिए हल्का सा इसका कलर थोड़ा अच्छा सा आ रहा है, तो हल्का ज़्यादा नहीं, कुछ सेकंड ही करना है। उसके बाद मैं इसमें टमाटर मिला दूँगी और उसके बाद मैं इसे ढक दूँगी जब तक कि ये तेल छोड़ने ना लग जाए, और क्योंकि मैं इसमें नमक अभी ऐड नहीं करूँगी तो थोड़ा कुछ सेकंड ज़्यादा लेगा, जल्दी से तेल छोड़ेगा नहीं, लेकिन मैं इसमें नमक बाद में ही ऐड करती हूँ। देखिए ये अच्छे से अभी तेल छोड़ने लग गया है और ये थोड़ा सा अच्छे से फ्राई हो रहा है और मसालों की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं इसमें मैश किया हुआ जो बैंगन थे मैं उसको इसमें ऐड कर दूंगी। और ऐड करने के बाद पूरे इस मसाले के साथ इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और इसे तब तक मिक्स करूंगी जब तक ये मसाले इसमें बैंगन की प्यूरी में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो देखिए मैं इस तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ, इसे ऐसे ही मिक्स करना है। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, तो मुझे थोड़ा सा बैंगन का भरता थोड़ा लिक्विड पसंद है, तो मैं इस पे छोटा एक बाउल वाटर ऐड करूँगी। ऐसे थोड़ी सी मैं ढक दूंगी, थोड़ा और पकाऊंगी। अभी ये पक के तैयार है, और जो मैं आपको स्टार्टिंग बोल रही थी कि मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया था, तो मैं सीधा नमक जो अब इसमें ऐड यूज़ करती हूँ वो अब ऐड करूँगी, और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसे 5 मिनट और अच्छे से पकाऊंगी, इसे अच्छे से मैश करूँगी, इसे मिक्स कर दूंगी अच्छे से और थोड़े से ढक दूंगी, इसे 5 मिनट और ढक दूंगी। और देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और अब हमारा ये बैंगन का भरता अच्छे तैयार है। लेकिन अब मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना मैंने आपको बताया नहीं है, और अब मैं अलग से एक छोटा सा पैन लूँगी और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, और उसमें मैंने जो लहसुन और अदरक का जो दरदरा जो पेस्ट था वो इसमें फ्राई करूँगी। और जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं ये पेस्ट डाल दूंगी। इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखूंगी ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए और इसका कलर ब्राउन हो जाए, और अब मैं इसको तब तक फ्राई करूंगी जब तक इसका कलर ब्राउन हो जाए। और इसे स्पून से ऐसे मिक्स करती रहूंगी क्योंकि पैन बहुत छोटा है, ये मैंने केवल तड़का लगाने के लिए ही मैं इसे यूज़ करती हूँ। अब ये मेरा ये जो पेस्ट है ब्राउन हो गया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और अब मैं इसको बैंगन के भरता जो हमारा ये तैयार है इसके ऊपर डाल दूंगी और इसे थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, इसे पता चल रहा है मेरा बैंगन का भरता जो मैंने बनाया है वो बहुत ही अच्छा बना है। अब मैं गार्निश के लिए जो मैंने हरा धनिया अलग से रखा था अब मैं इसके ऊपर इसे डाल दूंगी। और अब ये बैंगन का भरता बनकर तैयार है, और अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया मेरा तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसी वीडियो अगर आप और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.